तो गाइस इस वीडियो में बहुत ज्यादा WWE की बड़ी बड़ी धमाकेदार जो कि न्यूज़ हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आपको वीडियो जो की है बीच में से छोड़ दोगे तो मजा नहीं आएगा, बिकॉज एंड में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक जो की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फीचर चैनल में भी है, तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। जो कि अंडरटेकर की जो कि नेक्स्ट वीक के लिए रिटर्न, वो काफी ज्यादा टेस्ट हो रही थी WWE के लिए पहले ही। और जैसे कि मैं पहले बात करूं तो इस वीक की जो कि रो थी वो काफी हद तक WWE ने फेल कर दी थी, बिकॉज इस वीक की रो पर जो कि है वो व्यूअरशिप काफी कम थी। इसी के साथ साथ जो कि है वो काफी ज्यादा जो कि अगर हम उससे पिछले वाले वीक से बात करें तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट थी, बट मैं अगर बात करूं इस वीक की जो कि रो होने वाली है, यानी कि जो कि अंडरटेकर की रिटर्न हो सकती है जिसमें, और जिसमें अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना यानी कि जो कि उन दोनों का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 34 पर, उनकी जो कि प्री हाइप यानी कि पोस्ट मैच जो कि कन्फ्रंटेशन है वो भी हो सकती है वहां पर। बट अगर हम बात करें इस चीज़ का क्या लेना देना है रो की रेटिंग से, तो जो कि अंडरटेकर की रिटर्न है उसको WWE इतना ज़्यादा हाइप नहीं कर रही, फिर भी अगर अंडरटेकर वापस आते हैं, वापस नहीं भी आते फिर भी अभी तक जो कि रो आने वाली है 19 फेब की वो काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड हो रही है। और इस बार 19 मार्च की रो पर देखते हैं क्या होता है, WWE क्या करती है। अगर कुछ बढ़िया होता है तो सीरियसली वो रेटिंग और व्यूअरशिप जो कि है वो WWE WrestleMania 34 तक तो कंटिन्यू कर ही सकती है। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज के बारे में जो कि है डीन एम्ब्रोस से रिलेटेड, जैसे कि डीन एम्ब्रोस का मैंने कुछ पिछले टाइम में बताया था कि डीन एम्ब्रोस ने कहा था कि शायद WWE छोड़ सकते हैं अगर WWE ने फ्री नहीं करती। हालांकि जो कुछ भी उन्होंने कहा WWE कन के ऊपर 1% भी फर्क नहीं पड़ा। तो क्या इसकी जो कि ये सब कुछ जो उन्होंने दब की वगैरह दी WWE को, उस तरीके से क्या शायद उन्हें WWE जो है कुछ टाइम के लिए और WWE से बाहर रख सकती है, ऐसा WWE करती है, ऐसा WWE ने अल्बर्टो डेल रियो डैनियल ब्रायन जैसे रेस्टलर्स के साथ पहले भी किया हुआ है। बट मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, और मैं सीरियसली बताऊं तो ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज जैसे कि हमें पता है ट्रिपल एच और विंस मैकमैन, मानो या ना मानो ये दोनों काफी डीन एम्ब्रोस को पसंद करते हैं, और इस टाइम पर सीरियसली रो पर एक भी अच्छा बेबी फेस नहीं है जिसके ऊपर की रो की जो कि फैंस है वो ट्रस्ट करते हैं। इस वजह से इस टाइम पर डीन एम्ब्रोस की रिटर्न करनी बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर WWE को जो कि है एक इंस्टेंट टॉप बेबी फेस चाहिए, और इस टाइम कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो कि इंस्टेंट बेबी फेस बन सके। एक जो कि मोस्टली एलिजिबल हो सकते थे वो थे जॉन सीना, बट जॉन सीना की बुरी खबर ये है कि जॉन सीना के हेटर्स बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से ना टॉप बेबी फेस बना पाना बहुत मुश्किल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज के बारे में अगर हम बात करें तो वो है ट्रबल जो कि हो रही है WWE को रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में। जैसे कि WWE ने इसके अंदर कोई तीसरा बंदा भी नहीं उठाया, तो इस बार जो कि है सारे मैचेस जितने भी बाकी WWE के रेसलमेनिया 34 के होने वाले हैं उनको काफी ज्यादा अच्छी रेटिंग मिल रही है, खास करके जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर और एजे स्टाइल्स वर्सेस शिंस्की नाकामुरा को भी थोड़ी कम ही मिल रही है, बट अगर मैं बात करूं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर वाली मैच को काफी ठीक मिल रही है। अब WWE को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पोस्ट मैच हाइप, या फिर WWE को जो कि पोस्ट मैच कन्फ्रंटेशंस होती हैं पिछली कोई एक या दो रो में जो भी हो सकती है वहां पर WWE को जो कि है कराना चाहिए जरूर जल्दी से जल्दी। और अगर WWE ऐसा नहीं करती, अच्छी हाइप नहीं बनती, तो मेरे हिसाब से इस बार जो कि मेन इवेंट होने वाला है WWE इसलिए पिछले एक दो साल से जैसे कर रही है उसी तरीके से खराब कर सकती है। मुझे नहीं पता WWE किस तरीके से इसे करेगी, बिल्डअप करेगी। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है कि किस तरीके से WWE जो की है इस बार की WrestleMania 34 की जो कि मेन इवेंट फ्यूड होने वाला है, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर जो कि WrestleMania 31 का एक हिसाब से रीमैच ही होगा, बट सेथ रॉलिंस इन्वॉल्व नहीं है, तो मैच की स्पेक्चुलेशन जो की है वो बिल्कुल भी रीमैच वाली तो नहीं बन पाती। बट मैं अगर बात करूं तो आपको क्या लगता है कि क्या WWE को ऐसा कुछ करना चाहिए जिस वजह से कि वो इतना ज्यादा मैच इंटरेस्टिंग बन जाए कि वो सबके प्रीवियस जो कि रिकॉर्ड्स हैं वो फिर तोड़ दें? क्या आपको लगता है कि इस बार अंडरटेकर को जो कि WrestleMania 34 पर रिटायर होना चाहिए, एजे स्टाइल्स और शिंस्की नाकामुरा में से किसको जितना चाहिए, रैंडी ऑर्टन का ओपोनेंट कौन होना चाहिए, ये सब चीजें जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।